नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 13 मार्च 2023 के लिए स्थगित कर दी गई है। हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का समापन। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 13 मार्च 2023 तक स्थगित। 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा भाग। राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध पर सभापति ने जताई नाराजगी। कहा, संविधान निर्माताओं की आत्मा और संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात करना हमारा आचरण नहीं हो सकता। पूरे देश को उच्च सदन से वाद विवाद, चर्चा और संवाद की उम्मीद। लोकसभा में प्रश्नकाल, शून्यकाल और नियम 377 के तहत सदस्यों ने उठाए जनहित से जुड़े मुद्दे। आदर्श स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण और आधुनिकीकरण से संबंधित गैर सरकारी संकल्प पर भी हुई चर्चा। बजट सत्र के पहले भाग का समापन हो गया। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को 13 मार्च 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। सत्र के पहले ही दिन आर्थिक सर्वेक्षण और 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में हुई चर्चा का जवाब दिया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में आम बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। बजट सत्र के बीच की अवधि यानी 14 फरवरी से 12 मार्च के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर संबंधित विभाग संबंधी स्थायी समितियां विचार करेंगी। करीब 1 महीने बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल पूछे गए। सांसद टी सुमति के प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो माइनिंग लेन देन या पूंजी भारत में अभी व्यापक तौर पर अनियंत्रित है। ये पूरी तरह तकनीक आधारित है और किसी अकेले देश के इस दिशा में विनियमन के प्रयास प्रभावी नहीं होंगे। मेंबर सेड करेंसी इज समथिंग, द डिजिटल करेंसी इज समथिंग व्हिच द सेंट्रल बैंक्स इशू। एज यू आर अवेयर सर एंड द ऑगस्ट हाउस इज अवेयर, इंडियाज रिजर्व बैंक हैज कम अप विद पायलट इन टर्म्स ऑफ रिटेल एंड होलसेल यूज ऑफ डिजिटल करेंसी, फॉर विच there are several sandbox created so that user cases can be tested, and it is only during this process and immediately after that can there be any kind of understanding on how the retail or the wholesale use of digital currencies will have any spillovers for which any action has to be planned. So that has been just introduced since last December. We'll wait for the outcomes from there. सांसद सौगत राय ने असंगठित मजदूरों की आत्महत्या का मामला उठाया, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका जवाब दिया। जहां तक उनकी लाइफ और डिसेबिलिटी के संबंध में है, सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दी जाती है। जहां उनकी एक्सीडेंट और मृत्यु के बारे में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दी जाती है। जो छोटे कामगार हैं उनके लिए देश में स्वास्थ्य के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना चलाई जाती है। उसके साथ ही साथ उनके जो भविष्य की सामाजिक सुरक्षा का विषय है उसके लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड और जिन ग्रामीण क्षेत्र में जिन वर्करों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है उनके लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम और सरकार की अन्य चलने वाली योजनाएं जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये सब योजनाएं उन सब श्रमिक वर्गों के लिए ही सरकार के द्वारा चलाई जाती है। शून्यकाल के दौरान भी लोकसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। तो एग्जोबिटेंट एयरफेयर है,
जो कुछ फ्लैट्स जो है इसके दुरुपयोग करते हैं, इसके गलत फायदा उठाते हैं और टिकट जो है तुरंत ऊंचा कर देते हैं, जिसका कीमत आज अभी आप ऑनलाइन चेक करेंगे 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 तक जो है टिकट का बिक्री करते हैं एयरलाइंस वाले, जिसके चलते हमारे पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होते हैं, जिसको जान बचाने के लिए तुरंत दौड़ना होता है। Violence against healthcare workers weakens our health system, sir, and affects the quality of services provided to patients, in turn leading to more risk of violence. Therefore, I urge the Health Minister, if necessary the Home Affairs Minister and the Law and Justice Minister, to reintroduce a comprehensive central legislation to put a check on violence against healthcare professionals at the earliest. लोकसभा में कुछ सदस्यों ने सरकार से कई रेलवे परियोजनाओं को गति देने का आग्रह किया और कहा कि उन स्टेशनों को विकसित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो पहले उपेक्षित रह गए और जहां पर्यटन की प्रबल संभावना है। वाईएसआरसीपी सांसद की ओर से लाए गए निजी संकल्प आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यकरण और आधुनिकीकरण पर चर्चा के दौरान सांसदों ने ये बात कही। भगवान अतीश दीपांकर 8वीं शताब्दी में दुनिया के पहले वाइस चांसलर हुए। भगवान अतीश दीपांकर ऐसे आदमी थे जिन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की, लेकिन इस तरह के स्टेशन डेवलप नहीं होने के कारण टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से और रेल मंत्री जी से आग्रह है कि आपने कई एक पॉलिसी बदली है, कई एक चीज़ें बदली हैं, बड़े शहरों से अलग हटकर जहाँ टूरिस्ट की संभावना है, टूरिज्म की संभावना है और जो अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दिखाने का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, वहाँ के स्टेशन को डेवलप करिए और इस देश को आगे बढ़ाइए। लुक एट द बेसिक्स, लेट हिम इम्प्रूव द क्लीनलीनेस ऑफ द स्टेशन ऑफ द रेलवे टॉयलेट्स ऑफ द टॉयलेट्स इन द कोचेस एंड लास्टली लेट हिम स्टॉप द थेफ्ट of railway property. Let him stop the pilferage of railway property. Please. Because it's a small thing. Honorable member, please. That will make a difference. जितने भी दादा कहाँ चले आ जाओ, दूसरा जो वहाँ के जितने भी पूरे देश के और खास करके उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव देहात में स्टेशन हैं, उनका सबका भी शहर की तरह सौंदर्यकरण करा जाए। परमपुर एंड Kapurthala, we wish to appeal to you that as per the assurance given in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, you know, the same shell of the Vande Bharat coach which is being manufactured in Hyderabad, the completion of the coach, instead of sending it to Perambur or to Kapurthala, please get the completion work at least done in Kazipet in Telangana. Middle class or lower middle class, we need existing trains that were there before the COVID to be restarted, sir. And I urge upon the ministry to restart those trains, sir. And also I urge upon the ministry to start this, whatever they promised in AP Reorganisation Act with respect to the South Coast Railways. There is a road, I would not say that he has travelled on that road a number of times. Very recently also he has gone on that road. It is from Cuttack to Athgad via Ghantikhal. There is a level crossing. I remember when he was district magistrate of Cuttack district, from MP Lad, we put up a level crossing when he was our district magistrate there, and he helped us in a great way. But here we need a road overbridge. वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे राज्यसभा से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका संसद टीवी में। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बजट सत्र के पहले भाग के अंतिम दिन भी विभिन्न मुद्दों पर राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध देखने को मिला। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए। इस दौरान सभापति ने कहा कि सदन के कार्यों का संचालन करते समय उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबरी के साथ संभाला है। इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द हाउस आई हैव हैंडल बोथ साइड्स विद इक्वानिमिटी। आई अनाउंस द नेम ट्वाइस,
the Honorable Minister was not present. And as most of you have seen, things are taken note of. Trust your chairman, things are taken note of. If I have issued directions for compliance, if they have not been complied, I have invariably given time, but I take note of it. I am always open to suggestions from senior members and every member in my chamber also, so that we run this house as expected by the Constitution. Neither this side nor this side can afford to engage into any transgression whatsoever. पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखे जाने के बाद सभापति ने बताया कि नियमों के अनुरूप नहीं होने की वजह से उन्होंने नियम 267 के तहत प्राप्त दो नोटिस स्वीकार कर दिए। सभापति ने इस पर नाराजगी जताई कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत अभी तक 7 नोटिस दिए हैं और सातों की विषय वस्तु एक जैसी है। I have received two notices. Under Rule 267, from Sri Sanjay Singh and Sri Santosh Kumar P. Honorable members, I would be seeking your guidance. 7 notices that have been given so far by Sri Sanjay Singh are identical. There is no variation in content at all. If there has been a direction issued by me on the first notice, you will appreciate in the remaining 6 that are identical of the first are defiance of the direction. I am sure the House will not approve that we create such kind of a situation that even after there is a direction by the chairman, and on the same language, ditto, without any variation, we have these many notices. The reasoning that you give us same identical notice, I take a view on it, I communicate my view to the House, and this happens every day. 7 such notices, you only change the date. Both these notices are not in order. The notices are declined. इसके बाद विपक्षी सदस्य अपने स्थानों से नारेबाजी करने लगे। अवरोध के बीच ही सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया। विपक्षी सदस्यों की ओर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने देने का आग्रह करने पर सभापति ने कहा कि वो सभी को सदन में बोलने का मौका देते हैं। While I will give floor to everyone as I gave yesterday also. My greatest problem is that when on issue I give the floor, it goes on a tangent. Honorable leader of the opposition wanted to speak on an aspect of expunging of observations. One second. And given the status of the LOP, I permitted him to hold the floor. He held the floor and he started reading out the portions I had expunged. Now I am before you all. If the platform of this house is to be used contrary to rules, सभापति ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि देश ये उम्मीद रखता है कि राज्यसभा में संवाद और चर्चा हो। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान निर्माताओं की आत्मा और संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात करना हमारा आचरण नहीं हो सकता। पूरा देश हमसे उम्मीद रखता है, देश हमसे उम्मीद रखता है कि राज्यसभा में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, डेलिब्रेशन हो। संविधान निर्माताओं की आत्मा और संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात करना हमारा आचरण नहीं हो सकता। आज के दिन क्या हम
ऐसा आचरण बाहर देना चाहते हैं कि सदन में हम कुछ भी करेंगे पर सार्थक चर्चा नहीं करेंगे, सीमित व्यवहार नहीं करेंगे। आई अपील टू द मेंबर्स, परमिट मी टू टेक अप द लिस्टेड बिजनेस। इसके बाद अवरोध के बीच ही शून्यकाल के दौरान बीजेपी के जीवीएल नरसिम्हा राव ने लोक महत्व का मुद्दा उठाया। सभापति ने फिर कार्यवाही में अवरोध पैदा कर रहे सदस्यों से व्यवस्था बहाल करने की अपील की। सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया। बिफोर आई कॉल अपॉन द ऑनरेबल एलओपी, आई विश टू इंडिकेट दैट when we hold the floor it should be with the underlying object that we get concrete suggestions so that the house can be run. मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हमें हमारा आचरण उस मापदंड पर रखना है कि देश की जनता हमारे बारे में सकारात्मक रवैया रखे। हर सदस्य से मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने आचरण में संविधान निर्माताओं की भावना को और भारत के संविधान के मूल मंत्र को ध्यान में रखें, उस पर कुठाराघात नहीं करें। आई कॉल अपॉन द ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, आई एक्सपेक्ट ऑल साइड्स टू लिसन टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन रैप्ड अटेंशन, दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन गिविंग अस अ फाउंडेशन हाउ वी मूव फॉरवर्ड। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के अंशों को हटाने और कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन का मुद्दा उठाया। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी होने लगी। नेता प्रतिपक्ष की ओर से आसन के लिए प्रयोग शब्दों पर सख्त नाराजगी जताते हुए सभापति ने उन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया। इसके बाद शून्यकाल के लिए सभापति ने बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और फिर दर्शना सिंह के नाम लिए। अवरोध के बीच ही दोनों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक आकर नारेबाजी करने लगे तो नेता सदन पीयूष गोयल ने आसन से अवरोध कर रहे सदस्यों पर कार्यवाही करने का, सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करने का आग्रह किया। It is truly an insult of the house, and they are repeatedly disrupting. I don't know whether we will have to name the members and take appropriate action against them. But considering that this mood is very agitated, may I suggest that you adjourn the house for some time and talk to the leaders whether they are interested in running the house. सभापति ने अवरोध पैदा कर रहे सदस्यों के नाम भी लिए और उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक आकर नारेबाजी करते रहे और उन्हें सदन की कार्यवाही सुबह 11:50 तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। यदि अगर जो मैंने आंखों से देखा है प्राइमरी मटेरियल के अंदर आप स्तब्ध रह जाएंगे, आई हैव टेकन द मोस्ट लीनियंट कोर्स। जो कुछ देखा है मुझे मजबूर मत कीजिए वो सब कहने के लिए कि कैसे किया गया, किसने किया गया। द हाउस स्टैंड अर्जेंट टू मीट एट 11:50। एक बार के स्थगन के बाद सुबह 11:50 पर उच्च सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो सभापति ने फिर शून्यकाल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन सदन में फिर अवरोध शुरू हो गया। सभापति ने फिर सदस्यों को समझाने की कोशिश की ताकि सूचीबद्ध कामकाज को आगे बढ़ाया जा सके। आई कमी सिट इन दिस चेयर के बारे में लाना चाहता हूं टू बी एक्सट्रीमली परसुएसिव। आई सिट इन दिस चेयर
with high expectation. If you were saying I was naming, I have to hold back certain situations. All of us must reflect what is expected of us. Things can be done in 1 second. You know it. I don't want to do it. If I took a step yesterday, it was with a heavy heart. And trust me, when I really look within, I have never across in my 40 years come across more talented people, more knowledgeable people, people with high credentials, great achievements in society. And what really perplexes me, how can these people in togetherness go in that way? I again call upon all of you to permit me to carry out the listed business, because that is mandate of the rule, constitution, expectation of the people. और माननीय सदस्यगण, यदि अगर इस बात के ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, तो कहां होगी। सभापति ने अवरोध कर रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील बार बार दोहराई। जिस विषय के ऊपर चेयर से बार बार निर्णय हो चुका है, माननीय सदस्यगण, आप लोगों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, पुनर्विचार कर मुझे सदन चलाने दें। यह हमारा परम कर्तव्य है। इस बीच कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन पर पुनर्विचार का आग्रह किया, तो नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि इस मामले में ऐसे व्यवहार के लिए सदन से माफी मांगनी होगी, तभी इस पर विचार हो सकता है। इसी रूल के नीचे ये भी लिखा हुआ है कि एक सिर्फ काउंसिल, पूरा काउंसिल ही अगर चाहे 256(2) में, ओनली द काउंसिल ऑन अ मोशन बीइंग मेड कैन रिजॉल्व दैट सच सस्पेंशन बी टर्मिनेटेड, तो मुझे लगता है चेयर के ऊपर किसी प्रकार का भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप भी बचा सकते हैं, अगर आप माफी मांगे जो आपका अभद्र व्यवहार रहा है, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को होने नहीं दिया, लगभग सवा घंटे तक यहाँ पे आपका जो व्यवहार रहा वेल में रहकर, उसकी माफी मांगिए, उसके लिए आप पश्चाताप करिए, उस पश्चाताप के बाद फिर आप मोशन लेके आइए। हालांकि विपक्षी सदस्यों की ओर से अवरोध जारी रहा, तो सभापति ने सदस्यों को समझाने की कोशिश करते हुए बताया कि कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो मौजूदा बजट सत्र का ये भाग उच्च सदन में क्यों याद रखा जाएगा। इफ देयर विल बी फ्यू थिंग्स लेफ्ट एज टू व्हाट हैपेंड इन राज्यसभा ड्यूरिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन, देन आई कैन टेल यू बिकॉज आई गेट इनपुट एंड आई हैव स्लीपलेस नाइट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। One, there was boycott by some parties of the joint presidential address. Two parties. The second is the kind of conduct with Maniya Sadasyagan. पूरी दुनिया देख रही है। हमारा आचरण ठीक अपेक्षा के विपरीत है। संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात है। मेरे तो समझ के परे है कि विद्वान सदस्यगण, माननीय सदस्यगण किस प्रकार ऐसा आचरण कर सकते हैं। आप सोचिए, क्या जनता हमसे उम्मीद करती है? नहीं करती है। अवरोध के बीच ही सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का भी प्रयास किया। उन्होंने सदस्यों से सदन चलने देने की बार बार अपील की। आई एम कॉन्स्ट्रेंड ऑन अकाउंट ऑफ परसिस्टेंट डिसरप्शन एंड आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग डेलिबरेट डिसरप्शन इन स्पाइट ऑफ माय प्लीडिंग्स ऑब्स्ट्रक्शन इज बीइंग क्रिएटेड एंड दैट इज नॉट द वे टू रन द हाउस।
We have lost precious time already. We should have been. So, insert the guardian day in and out. Is that the approach? Sorry. Honorable members, I am pleading with you for the last time. If the House will be subjected to such kind of disturbance, disruption, violation of rules, I will be constrained to act as per expectation of the people. They do not want us to be in disorderly situation. बार बार अपील के बावजूद जब अवरोध नहीं थमा तो उन्होंने सदन की कार्यवाही 13 मार्च 2023 तक के लिए स्थगित कर दी। The House stands adjourned to meet on Monday, 13th of March 2023 at 1100 hours. शून्यकाल के दौरान बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकानों के गलत वितरण को रोकने की मांग की तो बीजेपी सांसद दर्शना सिंह ने चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन में बंद हुए रेलों के ठहराव का मुद्दा उठाया। जब ये योजना बनाई गई तो इसके कुछ मापदंड बनाए गए। अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक राज्य विशेष में माननीय महोदय ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास घर में 3 मंजिला मकान थे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनके साथ साथ रिश्तेदारों को मकान दे दिया गया। माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान कोरोना काल के दौरान चंदौली जिले के चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन में बंद हुए ट्रेनों के ठहराव की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ, जो कि जिले के अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण अंचल एवं व्यवसायिक तथा धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए हैं। सदन दिन भर में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।